जय हिंद। आज हम जानेंगे कि S-400 डिफेंस सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है। साथ ही जानेंगे कि ये कितना घातक है और भारत के पास कितने S-400 डिफेंस सिस्टम है। इस सिस्टम का पूरा नाम है S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ये एक ऐसा हथियार है जो भारत के लिए हवाई सुरक्षा कवच का काम करेगा। S-400 चीन और पाकिस्तान से आने वाले फाइटर जेट, ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिरा सकता है। आसमान से घात लगाकर आते हमलावर को पल भर में राख में बदल देता है। S-400 के आने के बाद दुश्मनों के हमला करने से पहले ही उनके पसीने छूट जाते क्योंकि S-400 के सामने कोई भी हथियार टिक नहीं सकता है। S-400 दुनिया की सबसे सटीक एयर डिफेंस सिस्टम है। भारत में शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो अब पूरी हो चुकी है। भारत S-400 सिस्टम से न्यूक्लियर मिसाइलों को अपनी जमीन तक पहुंचने से पहले ही हवा में ही ध्वस्त कर देगा। S-400 के रडार से भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमा के अंदर भी उस पर नजर रख सकेगा। जंग के दौरान भारत S-400 सिस्टम से दुश्मनों के लड़ाकू विमानों को उड़ने से पहले ही निशाना बना लेगा, चाहे पाकिस्तान का F-16 हो या चीन का J-25 जेट हो। साथ ही S-400 सिस्टम को रिलोड भी किया जा सकता है। अब जानते हैं कि आखिर यह सिस्टम काम कैसे करता है। S-400 में चार अलग अलग रेंज की मिसाइलें होती है जो 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक की होती है। ये मिसाइलें अलग अलग दूरी के टारगेट को हिट करने के लिए होती है। S-400 चार व्हीकल के साथ काम करता है जिसमें सर्वेलांस रडार, कमांड व्हीकल, गाइडेड रडार और लॉन्च व्हीकल जिसे ट्रांसपोर्ट इरेक्टर भी कहते हैं। इन चारों व्हीकल का अलग अलग काम होता है। सबसे पहले सर्वेलांस रडार ऑब्जेक्ट को ट्रैक करता है जैसे फाइटर जेट, मिसाइल या ड्रोन। इस रडार की रेंज 600 किलोमीटर तक होती है जिसमें यह रडार एक साथ 160 टारगेट को ट्रैक कर लेता है। जैसे ही इसके रडार में कोई मिसाइल या फाइटर जेट दिखता है तो यह तुरंत ही अपने पास वाले कमांड या कंट्रोल व्हीकल को जानकारी भेज देता है। इसके बाद कमांड व्हीकल उस ऑब्जेक्ट की लाइव लोकेशन, उसकी दूरी और ऊंचाई पता करके उसी रेंज की मिसाइल को फायर करने का निर्देश लॉन्च व्हीकल को देता है, जिसके बाद मिसाइल फायर हो जाती है। फिर आगे का काम होता है गाइडेड रडार का। यह रडार फायर की गई मिसाइल को ट्रैक करता है और उन्हें रास्ता दिखाता है, फिर मिसाइल को टारगेट पर लॉक कर देता है। एक बार मिसाइल को टारगेट पर लॉक कर दिया तो फिर उस टारगेट का बचना नामुमकिन है। यह पूरा प्रोसेस पूरा करने में 5 मिनट से भी कम का समय लगता है। अब जानते हैं कि S-400 कितना घातक हथियार है। S-400 को दुनिया के सबसे आधुनिक हथियारों में गिना जाता है। S-400 की मिसाइलें जमीन से हवा में मार करती है जिसमें सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें होती है। ये मिसाइलें दुश्मन के लड़ाकू विमान, मिसाइलें, ड्रोन और यहाँ तक कि छिपे हुए लड़ाकू विमानों को भी मार गिराने में सक्षम है। S-400 की मदद से रडार की पकड़ में न आने वाले लड़ाकू विमानों को भी मार गिराया जा सकता है। S-400 के लॉन्चर से 3 सेकंड में 2 मिसाइलें फायर की जा सकती है। S-400 से फायर की गई मिसाइलों की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है जो आसमान में 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक वार कर सकती है। S-400 के आने के बाद भारत की ताकत और बढ़ गई है। S-400 की डील भारत ने रूस से अक्टूबर 2019 को की थी जिसमें भारत ने रूस से 5 S-400 खरीदे थे और यह डील करीब 40,000 करोड़ रुपए में हुई थी। और अभी भारत के पास 3 S-400 डिफेंस सिस्टम पहुंच चुके हैं और बाकी 2 S-400 अक्टूबर 2023 तक आ जाएंगे। ये थी S-400 के बारे में जानकारी। आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और डिफेंस की जानकारी के लिए। तब तक जय हिंद।